अब की बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट जीतेगी और यही कारण रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में गई हैं, डर की वजह से गई हैं। कांग्रेस एक धोखा है और मोदी जी अब मौका है। कहते हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है, ये धर्म की राजनीति से श्रीलंका क्या हुआ आपने देखा, ये सब नशे में है, धर्म की राजनीति के नशे में है। 400 पार का नारा लगा रहे एक, मैं मोदी से लेकर के यहाँ तक के भाजपा के हर कार्यकर्ता को चैलेंज करता हूँ। हम पहुंच गए हैं कांग्रेस के दुर्ग, कांग्रेस के गढ़ यानी रायबरेली में। 2019 में एकमात्र सीट कांग्रेस की झोली में यूपी से आई थी लोकसभा की, वो रायबरेली। हालांकि इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, तो इस बार रायबरेली से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार मैदान में होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार अमेठी के बाद इसको भी, इस सीट को भी अपने खाते में ले लेगी क्या? देखिए, अब की बार जो है भाजपा का जो नारा है, अब की बार 400 बार जी, और यही रायबरेली से 7 जनवरी को मैंने नारा दिया था यूपी में 80 में 80। जब किसी ने मेरे से प्रश्न किया था, किसी संवाददाता ने, कि रायबरेली का क्या होगा, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 80 में 80, तो उन्होंने कहा रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 में रायबरेली शामिल ही है। और ये वास्तविकता है कि अब की बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट जीतेगी और यही कारण रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में गई हैं, डर की वजह से गई हैं और कई लाखों से हम लोग जीतेंगे। ठीक है, तो रायबरेली इस बार कांग्रेस के पास रहेगी कि नहीं रहेगी? आप लोग क्या चाहते हैं कि यहां से गांधी परिवार का कौन चुनाव लड़े, या गांधी परिवार नहीं कोई और आप चाहते हैं कि यहां से आए चुनाव लड़े वो रायबरेली का ही हो? देखिए, रायबरेली हमेशा कांग्रेस का रहा है और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी जिसको भी उतारेगी, चाहे वो गांधी परिवार से हो कोई, और चाहे गांधी परिवार किसी कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी यहां बनाता है जी, तो रायबरेली कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता करके भारी मतों से संसद में पहुंचाने का काम कह रहे हैं कि अब तो बचा ही क्या है कांग्रेस के लिए। छांट छांट के 17 सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी ने, और वो भी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का जीतना मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। अभी रायबरेली में नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें रायबरेली की जनता ने दिखा दिया कि रायबरेली की जनता सिर्फ कांग्रेस को ही चुनती है। रायबरेली विधानसभा के चुनाव में क्या दिखा है? रायबरेली की जनता ने कांग्रेस, रायबरेली की जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष को 45,000 वोट देकर के 18,000 वोटों से जिताया, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितने मंत्री आए, फिर भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके भारी मतों से विजयी बनाया। ठीक है, एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 4 पर समाजवादी पार्टी है, 1 सीट अदिति सिंह जो जीती है यहाँ से वो बीजेपी के पास है। तो क्योंकि गठबंधन इस बार हो गया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 17 सीटों पर हो गया है, तो इस बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं उतरेगा, कांग्रेस के पास ये सीट गई है। लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बीजेपी 400 वाले उस पर काम कर रही है कि 400 सीट लेकर आएंगे, है ना, और अमेठी पहले ही कांग्रेस हार चुकी है, उसके बाद रायबरेली सोनिया गांधी छोड़ के जा चुकी है। देखिए, आपने जो कहा कि अब की बीजेपी 400 पार, मेरा ये कहना है कि अब की भारतीय जनता पार्टी 7 समंदर पार, इनको कोई बचाने वाला नहीं है, ये देश से जाने वाले हैं, ये 400 पार नहीं, ये 7 समंदर पार हम लोग इनको भेजने वाले हैं। कांग्रेस एक धोखा है और मोदी जी अब मौका है। रायबरेली का डीएनए की बात आपने जो बताई थी कि कांग्रेस बसती है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि रायबरेली में पूर्व प्रधानमंत्री सदैव इंदिरा गांधी जी की पूरी तरह हार हुई थी, और एक बार अशोक सिंह जी यहाँ सांसद हुए थे 2 बार, और इसके बाद इस बार रायबरेली सहित 80 की 80 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार। एक चीज लेकिन मैं आपको बताऊं, वो 2 बार ऐसा लगा कि गलती कर दी यहाँ की जनता ने, उसके बाद तो फिर बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी को आने नहीं दिया। गलती नहीं होती है जनता से, जनता को 5 साल धोखा देने वाली रायबरेली की सांसद महोदया श्रीमती सोनिया गांधी पिछले कट दरवाजे से निकल करके वहां पे सांसद में जाने का प्रयास किया है, और ये कुचक्र रायबरेली की जनता इनको सिखाएगी। हाँ, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि सोनिया गांधी क्यों राज्यसभा में जा सकती हैं, लोकसभा नहीं लड़ सकती हैं?
नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस क्या अंदरूनी मामला है उनको? कहीं ऐसा डर तो नहीं लग रहा था कि पहले अमेठी अब रायबरेली? देखिए आप देखिए, ये लोग देखिए चिल्लाने से सच्चाई नहीं खत्म हो जाती है, जनता लाइव देख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली चिल्ला करके, जय श्री राम को बहुत तेज चिल्ला करके अगर झूठ को दबाना चाहते हैं तो ये जनता है, जनता सब कुछ देख रही है। एक एक आपने खुद अभी इनके भूतपूर्व प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी ने कहा कि 2009 में कांग्रेस ने एम्स का उद्घाटन किया, कम से कम इतना एक्सपेक्ट तो किया कि किसी ने विकास किया है। 2009 के बाद भारतीय जनता पार्टी आज 7 साल से सरकार में है, उन्होंने रायबरेली जनता के साथ क्या किया है? एक चीज, एक जन सर, एक बेवकूफ बनाते थे रायबरेली जनता को, बेवकूफ समझते थे, बेवकूफ बनाते थे उनको, गरीब का गरीब बनाए रखते थे, उनके अंदर विकास नहीं होने देते थे, घोषणा मात्र करते थे, 5 साल बाद फिर एक कदम बढ़ते थे, फिर 5 साल बाद एक कदम बढ़ते थे, जनता के लिए करते कुछ नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए डिलीवर किया है, उनको बना के दिया एम्स। आज एम्स में 2000 रोजाना मरीज आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से जो भी उद्योग थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी। ये बताना चाहते हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है। ये धर्म की राजनीति से श्रीलंका क्या हुआ आपने देखा, और ये सब नशे में है, धर्म की राजनीति के नशे में है, ये चिल्ला रहे हैं। रायबरेली में जो दिया है गांधी परिवार ने, किसी ने, इन्होंने क्या किया रायबरेली के बताइए? भाजपा ने क्या किया? सड़क बनवाने के अलावा क्या किया बताइए आप? गांधी परिवार को ही ये सीट जाना है तो बीजेपी का कोई भी खड़ा कर दीजिए, कैसे जीत जाएगा? गांधी परिवार ने कोरोना काल से लेकर आज तक देखिए गरीबों को राशन दिया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया। जो ये माननीय शुक्ला जी अभी कह रहे थे कि हमारी हाईवे रोक दी गई है, अभी आप यहाँ रायबरेली से रतापुर चौराहे से अयोध्या देख लीजिए, लगातार कंटिन्यू बन रही है। ठीक, लोकल इश्यूज की वजह से यहाँ की तमाम समस्याएं रुकी, चाहे एम्स रुका। सुनिए दूसरी चीज, चाहे देखिए सच सच स्वीकार करिए, जिले के सारे लोग बैठे हैं, अगर सच स्वीकार करने की मादा है, एम्स क्यों नहीं बना इनके शासन काल में? चूंकि यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, लोकल गुंडे इन्वॉल्व थे। यहाँ के ये रिंग रोड क्यों नहीं बन पा रही है? माननीय शुक्ला जी को पता है कि लोकल शक्तियां उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिनके कारण नहीं बन पा रहा। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले, देखिए आप लोग सबसे पहले तो यहाँ के वोटर हैं, यहाँ की जनता है आप लोग। सत्ता में कोई आए कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, काम होना चाहिए अपना, जनता का, है ना। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार प्रियंका गांधी को आप लोग चाहते हैं यहाँ से देखना, आप लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, या कोई और कैंडिडेट रायबरेली का ही हो जिसे आप लोग देखना चाहते हैं? देखिए रायबरेली से हम समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली के लिए सीट सुरक्षित कर दिया है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगा। 4,03,000 वोट समाजवादियों को रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में मिला है। 4,03,000 वो जोड़ दीजिए, बाकी कांग्रेस का वोट जोड़ दीजिए, 6 लाख वोट मिले। कांग्रेस का वोट क्यों जोड़ रहे हैं? 17 ही सीट दिए हैं पूरे 80 सीट में से, उसमें कांग्रेस की सीट। रायबरेली क्या बात करें, सोनिया गांधी चली गई, आप क्या जोड़? माननीय अजय अग्रवाल ने कहा कि क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी जी नहीं आती हैं, 10 साल पहले चुनाव लड़े हैं, 10 साल में कितने बार आए हैं, अब यहाँ पे आकर के फिर कहीं किराए वराये पे रहने लगे, इनका आधार यहाँ पे क्या है जो चुनाव लड़ने? ठीक है, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड जी, एक आराम से, वायनाड से आकर के भारत, आराम से बोलिए। दुनिया की पहली ऐसी सांसद हैं जो नामांकन के बाद रायबरेली की जनता का दुख दर्द सुनने नहीं आई, इनको तो गिनीज बुक मिलना चाहिए, दुनिया की पहली सांसद है। और उसके अलावा ये सवाल जायज है कि फिर बात की बात है, जितने वाली बात है, अभी भाई साहब कह रहे थे कि विकास की बात तो शायद, भाई साहब कह रहे थे विकास की बात, ये रेलवे स्टेशन नहीं गए, ये हाईवे नहीं देखा इन्होंने, इतनी रोडें बंद रही, रेलवे स्टेशन नहीं गए, वहाँ आप विकास देखिए जाके, कांग्रेस 7 सालों में क्या किया? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेस वे, रायबरेली अयोध्या मार्ग और रायबरेली से प्रयाग मार्ग सब 4 लेन 6 लेन बन रही। युवाओं को इनका नेता नशेड़ी कह के जा रहा है, कौन युवा यूपी का नशेड़ी है? युवाओं का अपमान करके जाएंगे, बर्दाश्त करेगा युवा? जमानत जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा भाई एक हो गया ना, नहीं नहीं, अरे भाई हो गया, अरे अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत मजबूत पार्टी है, अगर बहुत इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है तो ये अपने कैंडिडेट का जो इस समय चुनाव लड़ेगा, 1-2 महीने रह गया है,
कैंडिडेट का नाम बताऊं? 400 पार का नारा लगा रहे हैं। एक मैं मोदी से लेकर के यहाँ तक के भाजपा के हर कार्यकर्ता को चैलेंज करता हूँ कि तुम एक से एक सीट जीत के दिखा दो खाली रायबरेली की। देखिए एक मिनट जाइए। देखिए जहाँ हम लोग खड़े हैं ये रायबरेली शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। अगर 2017 से पहले यहाँ पर 2017 से पहले जनरेटरों के शोर में आप बात नहीं कर सकते थे, जितनी आसानी से हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल रही है, किसी के फोन जाने की जरूरत नहीं, कोई वीआईपी नहीं है, सब लोग सामान्य है, जनता इस बात को देख रही है। इस मुद्दे बात कर रहे हैं आज जो नौजवान परेशान है, बेरोजगार, कितना पढ़े हो ये बताओ। हम ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन करने के बाद एक मिनट रुक जाओ, क्या किया उसके बाद? हमने जो है क्या किया, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी वर्तमान में? अरे भाई पेपर दोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। वर्तमान सरकार, सर एक मिनट, वर्तमान सरकार हमेशा भर्ती निकालती है और पेपर लीक हो जाती है। हम प्रदेश के आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप युवाओं को रोजगार नहीं, आप धोखा है। माननीय योगी आदि जो 70 साल से इस देश के अंदर शिक्षा माफिया, शिक्षा में घोटाला करने वाले हुआ करते थे, उनकी कलाई खोली जा रही है। और ये जो बेरोजगार लोग हैं हमारे नगर पालिका परिषद से हजारों लोगों को लहरी ठेला का आज भी दिया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धरती पुत्र में आज इतना ही। देखिए रायबरेली की जनता का जोश है, लोगों का जोश है। सोनिया गांधी इस बार नहीं है लेकिन चुनाव यहां का ऐसा लग रहा है कि दिलचस्प होगा।